दोस्तों आपकी ऑफिस चेयर का यह हाल हो गया है क्या, जो कि डेली डेली इस तरह से हिलडुल रही है। तो इसका सस्ता सीधा और सरल उपाय है यह हाइड्रोलिक सिलेंडर, जो कि हमने अमेजन से मंगाया है और इसका ऊपर दिया हुआ है। इस हाइड्रोलिक सिलेंडर को आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, हालांकि बहुत आसानी तो नहीं, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप इसे चेंज न कर पाए। इसमें दो लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी, आपको एक हथौड़ा और एक वुडन प्लैंक की जरूरत पड़ेगी। इसकी मदद से आप इसे आसानी से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इसको बदलने के लिए हमें पहले इसको निकालेंगे, हम इसको आसानी से पकड़ सकते हैं। इसको पकड़ करके हमें इस वुडन प्लैंक को यहाँ पर रखकर हथौड़े से मारना होगा, और इसके निकल जाने के बाद हमें इसको पकड़ के यहाँ पर वुडन प्लैंक रख के हथौड़े से मारना होगा। तो ये पीस भी हमारा इससे आराम से निकल जाएगा। उसके बाद हम अपना हाइड्रोलिक सिलेंडर नया इसमें लगा देंगे। तो हमने वुडन प्लैंक और हथौड़े की मदद से इन दोनों पीस को अलग कर दिया है ठोक ठोक करके। ध्यान ये रखना है कि आपको चोट न लगे। तो दोस्तों हमने इस सिलेंडर हाइड्रोलिक सिलेंडर को इसमें से निकालने के लिए इस सपोर्ट का सहारा लिया है। आप चाहें तो हाथ से ही पकड़ सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि जब आप हथौड़ा ऊपर की तरफ करेंगे तो आपके मित्र को चोट लग सकती है। इस चीज का सावधानी लें। और ये वुडन प्लैंक से हम इसलिए मार रहे हैं ताकि ये हमारे जो सरफेस वगैरह हैं इसको कोई नुकसान ना हो। तो अब हम निकालते हैं। अब इसमें हमें अपना नया पीस लगाना है। ये देखिए यहाँ पर ये ऊपर में टेपर रहता है, तो जैसे हम इसको डालते हैं तो ये इसमें फंस जाता है। ये हमारा इसमें थोड़ा सा ठोकने पर ही है, इसमें फंस जाएगा। अब हमारे पास टोटल कुल तीन पार्ट हैं, एक ये हाइड्रोलिक सिलेंडर और हमारा बेस। हमें इसको यहाँ पर डाल देना है और इसको यहाँ पर लगा देना है। हमने इसको रखने के बाद में इसको एक दो शॉट मारिए और ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाएंगे। इसके बाद यदि आप चाहें तो इसको एडजस्टमेंट को एडजस्ट करके देख सकते हैं, और यदि आपको नीचे करना है और इसके बाद आप इस पर्सनल कुर्सी फिट कर सकते हैं और उसका प्रयोग आराम से कर सकते हैं।